हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीमा और आपको स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जादू की रानी में। दोस्तों, आज जो मैजिक होने वाला है वो होगा एक सफ़ेद सा कागज़ के साथ। दोस्तों, आप देख सकते हो ये है एक सफ़ेद सा कागज़, लेकिन इसका वैल्यू है ज़ीरो। तो दोस्तों, अभी मैं इसके साथ एक मैजिक करूंगी और इसका वैल्यू बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, लेट ना करके चलिए शुरू करते हैं मैजिक। लेकिन उससे पहले, अगर आप नए हो इस यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास एक सफ़ेद सा पेपर, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि ये इसमें कुछ भी फटा हुआ कटा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ आज हम मैजिक करेंगे, इसका वैल्यू बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था, इस सफ़ेद सा कागज़ का वैल्यू बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए पहले हमको फर्स्ट फोल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए फर्स्ट फोल्ड करते हैं इसको। पहले हम फोल्ड कर दिए, फर्स्ट फोल्ड किए, उसके बाद दोस्तों और एक फोल्ड करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो सेकेंड फोल्ड भी हो गया है, अभी हम और एक थर्ड फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों, गौर से देखिए, अभी हम एक मैजिक पल्स देंगे और दोस्तों आपके आंखों के सामने वो सफ़ेद सा पेपर बन जाएगा एक 50 रुपीज़ का नोट। दोस्तों, जो कि एकदम ही ओरिजिनल है, आप लोग देख पा रहे हो। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो कि एकदम ही ओरिजिनल है ये नोट। दोस्तों, ये था आज का मैजिक। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मैजिक? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इस मैजिक को। तो दोस्तों, इस मैजिक को करने के लिए आपको चाहिए एक नोट का साइज का पेपर और एक ओरिजिनल सा नोट, जिसको आपको ऐसे साइज पे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको नोट को यहाँ पे पकड़ना है। मैं आपको बैक साइज का व्यू दिखा रही हूँ। आपको ऐसे बैक में अपने तरफ करके नोट को पकड़ना है और उसके बाद फिर आप ऐसे करके नोट को यहाँ से इधर ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं, फिर इस हाथ को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहला फोल्ड देना है। फर्स्ट फोल्ड आप ऐसे देंगे, फ्रंट व्यू से कुछ भी नहीं दिखा जाएगा, नोट छुप जाएगा कागज़ के पीछे। उसके बाद आपको सेकेंड फोल्ड देना है। सेकेंड फोल्ड देते वक्त भी आपको ऐसे फोल्ड करना है कागज़ को कि नोट छुपा रहे, दिखा ना जाए। उसके बाद आपको थर्ड फोल्ड देना है। थर्ड फोल्ड जब आप दे रहे हो तब भी आपको ऐसे कागज़ को छुपा लेना है कि नोट को छुपा लेना है, नोट दिखे ना। उसके बाद आपको हाथ ऐसे ढाक के मैजिक पल्स देने के नाम करके उसके आपको क्या करना है, ऐसे नोट को पलटाना है कि कागज़ पीछे चला आएगा और नोट आगे चला आएगा। दोस्तों, उसके बाद फिर तुरंत आपको वक्त बर्बाद ना करते हुए इस नोट को ऐसे खोल लेना है और कागज़ को छुपा लेना है यहाँ पे। ऐसे फिर उसको दिखाना है कि ये आपके पास एक ओरिजिनल सा नोट है, जो आपने एक खाली कागज़ से एक ओरिजिनल सा नोट बना दिए हैं। तो दोस्तों, ये था इस मैजिक का सीक्रेट। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मैजिक? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए और कैसे कैसे मैजिक आपको सीखना है, मैं उसको करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, इस लोगो को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत ही भूलिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मैजिक का मज़ा लेते रहिए, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ मैजिक तो आप भी ज़रूर कर सकते हो।